हेलो स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर गुड इन रिवाइजिंग प्रॉपरली। हमने प्रीवियस वीडियोस तक एग्जीक्यूटिव पार्ट फिनिश कर लिया है। दिस इज द थर्ड ऑर्गन। आई एम फीलिंग वेरी लाइट कि चलिए चैप्टर कंप्लीशन की तरफ है और एक बहुत बड़ा लेंथी चैप्टर, सबसे लेंथी क्वेश्चन वाला चैप्टर हम कवर करने की तरफ है। और साथ ही साथ इसके साथ हमने 8 मार्क्स से कंटेंट आने वाले चैप्टर को भी आधे से ज़्यादा यहाँ पे समझ लिया है। आई विल से 90% आपका यहाँ कवर हो गया है, बस मुझे सिर्फ कंपेयर करके आपको बताना है। Now see, judiciary is the third organ of our Indian government. Judiciary is the third organ of our Indian government. चाहे वो central level का हो चाहे वो state level का, ध्यान रखेंगे state level में या central level में, दोनों में ही there are 3 main organs of government. 1 legislature, 2 executive and the 3 judiciary. तो जुडिशरी, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए जुडिशरी पढ़ते हैं तो वो आती है सुप्रीम कोर्ट। वो क्या होते हैं? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। लेट मी टेल यू वन थिंग कि सुप्रीम कोर्ट को कोई नॉर्मल इंस्टीट्यूट की तरह आप उनके लिए एड्रेस नहीं कर सकते। यू पीपल कैन नॉट एड्रेस नॉर्मली लाइक अदर इंस्टीट्यूशन फॉर सुप्रीम कोर्ट। जैसे आप किसी स्कूल के लिए कह देते हैं डेट एक्स वाई जेड स्कूल है, ऐसा करता है, ऐसा है, अच्छा है, बुरा है, जो भी है, आप उसको जिस वे में बताना चाहते हैं नॉर्मली एड्रेस करके बता सकते हैं, बट सुप्रीम कोर्ट को आप नॉर्मल एड्रेस नहीं कर सकते। दिस इंस्टीट्यूट इज वेरी रिस्पेक्टेड वन और हमें इनका, देखिए व्हाट आई सेड, इनका, इसका नहीं बोल सकते हम, है ना। ऑटोमेटिक जब आपको सिखाया जाएगा तो नहीं, जैसे हमने जब सीखा है ड्यूरिंग माय स्टडीज आई लर्न कि वी कैन नॉट कॉल इट विदाउट रिस्पेक्ट। हम इनको डिसरिस्पेक्टफुली नहीं अनाउंस कर सकते हैं। इनको देखिए, मेरे मुंह से बार बार इनको ही निकलेगा। सो सुप्रीम कोर्ट इज अवर ऑनरेबल इंस्टीट्यूट, तो इनके लिए हम कभी भी डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स इस्तेमाल ही नहीं करते। तो आपने कभी अगर न्यूज़ एंकर्स को भी सुना हो, दे यूजली सेड माननीय उच्च न्यायालय महोदय ने, इस तरह से। तो वही चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कभी भी, क्योंकि आप अभी बच्चे हैं और आपको, आई डोंट नो आप अवेयर हैं या नहीं, कभी भी इन फ्यूचर अगर आप इनके बारे में किसी को बताएं, सी अगर आप इनके बारे में या कुछ कहना चाहें तो आई अपील टू यू एंड आई एम नाउ हैविंग सम कॉन्फिडेंट ऑन यू कि हाँ अभी आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। नाउ सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो फॉर्मेशन होती है वो किस तरह से होती है, या इनमें कितने नंबर ऑफ जजेस होते हैं, या जजेस के लिए क्वालिफिकेशन, इनका जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और साथ ही साथ जज बनने के बाद आप बात करते हैं इनका टेन्योर क्या होगा, जो जजेस होंगे उनका इम्पीचमेंट, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। नाउ सुप्रीम कोर्ट फॉर्मेशन, सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है उनके बारे में हमें ये पता होना चाहिए हाउ मेनी नंबर ऑफ जजेस इट विल हैव, कि सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस होंगे। इनिशियली ये प्रोविजन था कि देयर विल बी 1 CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही इज द सुप्रीम सुपर मोस्ट जज फॉर द होल कंट्री, इनसे ऊपर कोई जज नहीं होता। CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये अपने आप में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल, रिस्पेक्टेड तो है ही साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पूरी कंट्री का क्या होता है, पूरी कंट्री को जस्टिस करने का इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना उसे, क्योंकि जितने भी केसेस है वो लास्ट कहाँ जाके एंड होते हैं, यहाँ जाके एंड होते हैं। तो इनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लोग कभी कभी समझते हैं कि इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इतनी बड़ी पोस्ट पे है सबसे ऊपर, नो अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। आप जितना ऊंचा पोस्ट पे हैं आपके ऊपर उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। तो ना उसे इनिशियली ये प्रोविज़न था कि देयर विल बी 1 CJI एंड 7 other judges इन सुप्रीम कोर्ट, कि भाई सुप्रीम कोर्ट में 1 CJI होंगे और 7 other judges होंगे, तो इन टोटल कितना हुआ बच्चा लोग, इन टोटल 8 judges हुआ, कितना हुआ 8 judges। बट इन 2008 देयर वाज सम चेंज इन दैट नंबर, तो एक नंबर में चेंज आया और उनके अनुसार, उस चेंज के अनुसार क्या होगा, देयर विल बी टोटल 31 judges इन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, 31 judges होंगे
और उसमें इंक्लूड रहेंगे सीजीआई, मतलब सीजीआई को मिलाकर इन टोटल कितने जजेस होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के, 31 जजेस होने वाले हैं। इन टोटल कितने जजेस होंगे, 31। इनिशियली क्या था, देयर विल बी वन सीजीआई एंड 7 अदर जजेस, सो हाउ मेनी टोटल, 8 जजेस विल बी देयर, बट देयर विल बी सम अमेंडमेंट एंड देयर विल बी सम चेंज इन दैट एंड द नंबर ऑफ जजेस हैज बीन इंक्रीज, सो नाउ how many judges you will find in supreme court, there will be 31 judges including cji also, so including cji also. Now come to the qualification, what is the minimum qualification for becoming the judge of a supreme court, any of the judge, I'm not saying about this particular one, any of the judge of supreme court, yahi nahi sabhi, matlab sabki qualifications to same hi almost, ab inko to प्रेसिडेंट, आपको पता है ना प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, वो किस तरह से करेंगे, नॉमिनेट करेंगे, क्या करेंगे, किस तरह से सारे सबसे एडवाइस लेकर तब ये अपॉइंट होंगे। नाउ क्वालिफिकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वालिफिकेशन दैट फॉर बिकमिंग अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द फर्स्ट क्वालिफिकेशन फॉर बिकमिंग द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए सबसे पहली क्वालिफिकेशन यही है, दैट पर्सन शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो पर्सन इंडियन सिटीजन होना चाहिए साथ ही साथ। अब इनके लिए और करके क्वालिटीज क्वालिफिकेशन है वो मैं थोड़ा समझा देती हूँ आपको, सिटीजन ऑफ इंडिया ये होंगे ही होंगे, उसके बाद आता है कि उनके पास 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज। अब ये 5 ईयर एक्सपीरियंस कंटिन्यूस होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूस, या तो ये 5 ईयर्स कंप्लीट कहाँ हो मेरे बच्चे, किसी एक हाई कोर्ट में ही हो या फिर किसी एक कोर्ट में हो, किसी एक कोर्ट में हो है ना, सब कोर्ट्स जो होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स जो होते हैं, या फिर हाई कोर्ट में हो, या फिर यही 5 ईयर का कंटिन्यूस एक्सपीरियंस 2 or more कोर्ट्स में हो, मतलब समझिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस है या तो कंटिन्यूस किसी एक हाई कोर्ट में या किसी कोर्ट में हो या फिर 2 or more कोर्ट्स में मिलाकर कंटिन्यूस कितने ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 5 ईयर्स का। इट इज द क्वालिफिकेशन, पर ऐसा नहीं कि ये होते ही सिर्फ आपको मिल गया, इट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जाम देते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तो आपका ग्रेजुएट होना ही आपको वो जॉब नहीं दिला देता है, इट इज जस्ट एन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन पार्टिसिपेट। तो ये होगा तो आप एलिजिबल हैं, आप जज बनेंगे या नहीं ये कंपल्शन नहीं है, उसके बाद या तो ये होगा और इसके अलावा भी और है, 5 ईयर का एक्सपीरियंस के अलावा अगर आप एज अ जज एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, तो आपके पास 10 ईयर्स का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ एन एडवोकेट, आपके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए 10 ईयर्स का, किस में, एटलीस्ट 10 ईयर का एक्सपीरियंस किसी भी कंटिन्यूस कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में। एडवोकेट की तरह अगर 10 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप जज बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, 5 ईयर का एक्सपीरियंस है एज अ जज तो आप बन सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। इसके अलावा एक और, अगर आप लॉ समझ रहे हैं, अगर आप लॉ लेजिस्लेचर इसके नॉलेजेबल पर्सन हैं, कैसे हैं, नॉलेजेबल पर्सन हैं, आप एक्सपर्ट हैं, आपने आपके पास नॉलेज है इतना सारा, आपने पढ़ाई भी इतनी की, आप सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपने मतलब सारी चीज़ों को सारे पहलू को जाना है, यू आर एन एक्सपर्ट इन लॉ एंड ऑर्डर, तब भी तो उसके लिए, क्योंकि नॉमिनेट कौन करेगा, नेम कौन देगा नॉमिनेशन के, सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेसिडेंट देंगे, तो उनको अगर पता है कि देयर इज अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन लॉ इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, कि भाई लॉ एंड ऑर्डर के फील्ड में बहुत एक्सपर्ट पर्सन है ये, तो वो भी। तो व्हाट आर द 3 qualifications, आप ये कहेंगे ये 3 qualifications आपको और करके लिख के आने, फर्स्ट क्वालिफिकेशन क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, दूसरी क्वालिफिकेशन क्या है, अब दूसरी क्वालिफिकेशन के 3 points हैं, दूसरी क्वालिफिकेशन के 3 points क्या है, फर्स्ट वन कि वो 5 years का क्या होना चाहिए उनके पास एज अ एक्सपीरियंस ऑफ जज, एक्सपीरियंस एज अ जज, 10 years का एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, या फिर अ पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, इन तीनों में से कोई भी और अभी आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट टेन्योर, अच्छा एक और चीज बेटा मैं यहाँ पे बताना भूल गई थी आपको, कोलेजियम सिस्टम, ये जो 31 जजेस और सीजीआई वाला जो था, इसमें एक चीज और बता देती हूँ मैं आपको, कोलेजियम, देखिए स्पेलिंग QUIM है बट
इट विल बी प्रोनाउंस एज कोलेजियम सिस्टम। तो कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि एक सीजीआई और जो सुपर मोस्ट जजेस होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देते हैं, अपॉइंट कर देते हैं, 4-5 मेंबर्स मान लेते हैं सीनियर मोस्ट, तो सीजीआई और सुपर मोस्ट जो जजेस होते हैं उनसे एडवाइस भी लेते हैं। ये कोलेजियम सिस्टम चलता है आजकल, अभी एट प्रेजेंट कोलेजियम सिस्टम मौजूद है सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, किसके लिए, नंबर ऑफ जजेस जो वहां पे सिलेक्ट होते हैं, नंबर ऑफ जजेस के लिए। तो अभी बात करते हैं हम बच्चे कि कोलेजियम सिस्टम में क्या होता है कि सीजीआई और जो सुपर मोस्ट जजेस होते हैं वो 4-5 कोई भी सुपर मोस्ट जजेस हो सकते हैं, तो उनकी एडवाइस लेके बाकी जजेस के नेम की नॉमिनेशंस मांगे जाते हैं। भाई कि 6 या 7 जजेस सुपर मोस्ट है, 7 जजेस सुपर मोस्ट और सीजीआई, उनसे कहा भाई आपकी नॉलेज में कोई अच्छे जज हो, क्योंकि भाई ये सारे जजेस इतने डिफरेंट एरियाज से आए हैं, कोई किसी हाई कोर्ट में हो सकता है जज बन के रहा हो 10 साल 5 साल, तो उनकी नज़र में कोई हूँ ऐसे पर्सन्स या एक्सपर्ट्स, तो उनसे भी नॉमिनेशंस मांगे जाते हैं। भाई आप अपने क्या दीजिए नॉमिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या होने चाहिए, ज़रूरी नहीं कि उनके दिए हुए नाम ही सारे फाइनल हो जाएंगे, बट हाँ उनमें से सिलेक्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के पास एक बेटर चॉइस होता है। नाउ नेक्स्ट, टेन्योर एंड इम्पीचमेंट। देखिए इनका टेन्योर होता है 65 ईयर्स, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने ईयर्स के बाद रिटायर होते हैं, 65 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 ईयर्स जब तक उनकी ईयर्स कंप्लीट नहीं होती तब तक ही और शी कैन एंजॉय द पावर एज अ सुप्रीम कोर्ट जज, और ही और शी कैन बी द मेंबर ऑफ सुप्रीम कोर्ट या एज अ जज। तो इनकी टेन्योर क्या होता है, 65 ईयर्स। अब बात आती है इम्पीचमेंट का, ही कैन ऑल्सो बी इम्पीच सीजीआई एंड द अदर जजेस। इनको इम्पीच कब किया जा सकता है, देखिए पहली बात तो ये खुद भी रिजाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर विल, अगर इन्हें रिजाइन करना है तो ये अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं। ये सारे के सारे जजेस क्या कर सकते हैं, रेजिग्नेशन दे सकते हैं। उसके बाद साथ ही साथ ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑल्सो, प्रेसिडेंट भी इनको रिमूव कर सकते हैं। प्रेसिडेंट जब इनको रिमूव कर देते हैं उसके बाद जो दोनों हाउसेज भी उस रेजिग्नेशन को या फिर इनका जो इम्पीचमेंट जो प्रेसिडेंट ने रिमूव किया है उस रिमूवल पेपर को दोनों हाउसेज के मेंबर भी 2/3 मेजोरिटी से क्या कर देंगे, फिर पास ऑन कर देंगे, तो इनका रिमूवल क्या हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा। और एक और चीज कि इनको इम्पीच कोई भी दोनों हाउसेज के मेंबर्स मिलकर 2/3 मेजोरिटी से तो करते ही करते हैं, उसके बाद प्रेसिडेंट के थ्रू भी ये इम्पीच हो सकते हैं। अब आते हैं सैलरी अलाउंसेज एंड फैसिलिटीज। देखिए सैलरी अलाउंसेज ये फिक्स की जाती है इनकी, है ना, इनकी फिक्स होती है। अच्छा अभी एट प्रेजेंट इनकी सैलरी अलाउंस क्या है वैसे कोई मतलब नहीं है, आपके बुक में जो डेटा लिखा हुआ है ना आप वही डेटा लिख कर आएंगे, क्योंकि आपकी कॉपी के लिए जो आंसर शीट बन के आती है टीचर्स के पास वो वही बुकिश रिकॉर्ड आता है, जो आपकी बुक में जो डेटा लिखा है वो उसी को करेक्ट मानेंगे। तो आपको क्या लिख के आना है कि अभी जो मतलब जो सैलरी फिक्स की गई है सीजीआई की होती है 1 लाख पर मंथ, और अदर जजेस की होती है 90K, 90K इज 90,000, K इज फॉर 1000, 90,000 फॉर अदर जजेस। इसके अलावा इन्हें और फैसिलिटीज और दी गई हैं, जैसे कि इनके आप कह सकते हैं हाउसिंग फैसिलिटीज, अकोमोडेशन, व्हीकल फैसिलिटीज, इनको ग्रेचुटी और पेंशन, इनको ग्रेचुटी और पेंशन भी दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, ग्रेचुटी और पेंशन, ये सब फिक्स होते हैं, तो ये इनके सैलरी अलाउंसेज और फैसिलिटीज में आता है। आपको ये यही याद रखना है, रीजन क्या है, क्योंकि आपकी बुक में यही लिखा है। एट प्रेजेंट इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है आपको इससे कोई लेना देना नहीं, आप बुक का ही डेटा लिख कर आएंगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्विटेंसेस, क्विटेंसेस क्या होता है, देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज हैं इनके पास केसेस आएंगे, इनको जो फैसला सुनाना है इनके फैसले पे कोई क्रिटिसिज्म नहीं लगा सकता, कोई भी इन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, उसकी आलोचना नहीं कर सकता। ही और शी मतलब जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर फ्री फ्रॉम द क्रिटिसिज्म, आलोचना से ये फ्री होते हैं। रीजन, कई सारे केसेस होंगे आपने देखा होगा कि अभी जो मैंने एक वीडियो में भी निर्भया वाला केस रिसेंट वाला लिया था जिसमें मैंने प्रेसिडेंट के बारे में बताया था कि कैसे पार्डन ग्रांट की जाती है, उसी केस को अगर हम लेते हैं तो उस केस में क्या हुआ था कि उस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले जितने भी कल्प्रिट्स जो थे, जितने भी कल्प्रिट्स थे जिनको टू बी हैंग वाली जो पेनल्टी दी गई थी, डेथ पेनल्टी जिनको दी गई थी, उसके लिए उनके पेरेंट्स बोल रहे थे, कुछ ना कुछ बोल रहे थे, लेकिन वो किसी भी तरह
तरह से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना नहीं कर रहे थे, उन्हें क्रिटिसाइज नहीं कर रहे थे, या मीडिया या वो जो एडवोकेट जिन्होंने बार 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 अपील की थी, अभी हम ज्यूरिडिक्शन और पढ़ेंगे, अपील ये ज्यूरिडिक्शन उसमें आप समझेंगे, जिन्होंने बार 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 अपील भी किया था उन जजेस ने, उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया था। सुप्रीम कोर्ट से बार बार किया की थी, गुहार लगाई थी अपने अलग अलग, उन्होंने आप कह सकते हैं जो उन्होंने अपील की थी उसमें अलग अलग रीजंस तर्क पेश किए थे, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज नहीं किया था। और जब वो फैसला आ गया था उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, माननीय सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया था या उस पर क्वेश्चन मार्क पुट ऑन नहीं किए थे, उस पर क्वेश्चन मार्क पुट ऑन नहीं किए थे। तो जो माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं या उच्च न्यायालय महोदय हैं, उनकी जजमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन में फ्री फ्रॉम क्रिटिसिज्म रखा गया है, वरना मीडिया पर्सन्स, हमारे मिनिस्टर्स हर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद क्या करेंगे, उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क पुट ऑन करना शुरू कर देंगे। और हमारा जो ज्यूरिडिक्शन एक पिलर है हमारे इंडियन गवर्नमेंट का, जो एक पिलर है इंडियन गवर्नमेंट का, वो कहीं ना कहीं क्या रहेगा, कैन नॉट वर्क प्रॉपरली और फ्री होकर काम भी नहीं कर सकेगा। तो क्रिटिसिज्म से फ्री रखा गया है, किसको फ्री रखा गया है क्रिटिसिज्म से, माननीय सुप्रीम कोर्ट को, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। हेडक्वार्टर्स को लेकर इसमें ये लिखा हुआ है कि द हेडक्वार्टर ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल बी इन द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो कैपिटल ऑफ इंडिया इज दिल्ली। तो कहाँ पे होगा सुप्रीम कोर्ट का, कहाँ पर होगा सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर, दैट इज इन दिल्ली। और रिस्ट्रिक्शंस क्या हैं, रिस्ट्रिक्शंस ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं दे कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी अदर कोर्ट्स और अदर बाय लोकली बाय प्राइवेटली, वो अपने आप कहीं भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और रिटायरमेंट के बाद वो किसी ऑफिस में, किसी अंडर ऑफिस में क्या नहीं कर सकते हैं, वो अपनी सर्विसेज नहीं दे सकते हैं और वो कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। कहाँ पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, कहीं पर किसी भी प्राइवेट या किसी भी ऑफिस के अंडर वो प्रैक्टिस नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस है। वो एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हैं उच्चतम न्यायालय के, आई थिंक मैंने एक बार उच्च न्यायालय बोला था, दैट इज हाई कोर्ट, तो उच्चतम न्यायालय के क्या बन जाते हैं, जज बन जाते हैं। तो जज बनने के बाद ही और शी कैन नॉट प्रैक्टिस इन एनी ऑफ द प्राइवेट ऑफिसेस, प्राइवेटली खुद का भी नहीं कर सकते हैं, खुद भी नहीं कर सकते हैं प्राइवेट ऑफिस बनाकर, और ना ही रिटायर होने के बाद वो ऐसा कर सकते हैं। ये था हमारा जुडिशरी, नंबर ऑफ जजेस कितने होंगे, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, क्वालिफिकेशंस क्या होगा, टेन्योर क्या होगा, इम्पीचमेंट क्या होगा, इनके नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करा चुकी हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, नोट्स में शायद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव एंड इम्पीचमेंट लिखा है, आप प्लीज़ टेन्योर एंड इम्पीचमेंट कर लीजिएगा। नाउ सैलरी एंड अलाउंसेस, फैसिलिटीज क्या होंगी, क्विटेंसेस क्या है इनके लिए, हेडक्वार्टर रेस्ट्रिक्शंस क्या है इनको लेकर, यहाँ पर हमारा जुडिशरी फिनिश होता है। अब आती है बात ज्यूरिडिक्शन की, ज्यूरिडिक्शन की बात करते हैं। तो ज्यूरिडिक्शन में क्या होता है, मैं एक काम करती हूँ बच्चे, आप लोगों के लिए ज्यूरिडिक्शन के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, सो दैट इट विल बी इजी टू गो इन पार्ट्स। ओके, थैंक यू।